इमरजेंसी टॉयलेट भी इधर। तो स्वागत है मेक्सिको में, और मेक्सिको के आखिरी व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने सिम और कार्तिक के साथ शुरू कर दिया था रोड ट्रिप फ्रॉम पलेंके टू कैंपचे। तो हम लोग लास्ट वीडियो में कैंपचे पहुंच गए थे और मैंने दिखाया था, मैंने ड्राइव किया कैंपर वैन, और ये दो इंडियन कपल्स वैन में घूम रहे पूरा दुनिया फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, और मैं था इनके साथ एक छोटा सा पार्ट ऑफ देयर जर्नी में। और इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैंपचे, और कैंपचे दिखाने के बाद बाकी का पूरा वीडियो होने वाला है इस फुल कैंपर वैन का टूर, कितना खर्चा आया, क्या है, कैसे खाना बनाते हैं, सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में। पर पहले देखते हैं कैंपचे का शहर थोड़ा सा। ज़्यादा टूरिस्टिक है नहीं है, बस एक स्मॉल टाउन ही है, लोग यहाँ से ज़्यादातर पास कर लेते हैं, बट हम लोग पास कर रहे थे अभी, देख रहे हैं। लेट्स गो, लेट्स कंप्लीट। भाई कैंपचे के सी साइड में आ गए अभी हम लोग, और जैसे दिख रहा है पानी बहुत ही ग्रे और गंदा और डार्क है, क्योंकि अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं। बट हम लोग जब और नॉर्थ जाएंगे, जब युकतान पहुंच जाएंगे, और उसके बाद जब कैनकुन के साइड आ जाएंगे, तब पानी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, वो शायद आगे वाले वीडियोज़ में आपको दिख जाएगा। फिलहाल आप सी देखो, और अच्छा बीच बाद में दिखाऊँगा। तो हम लोग कैंपचे में रुके, और यहाँ पे अच्छा फेस्टिवल, आज वेनसडे फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई वीकेंड चल रहा है, और किसी भी बड़े सिटी को वीकेंड में मार दे देगा ये अपना छोटा सिटी कैंपचे। एंड इट्स इंस्टाग्राम जैम, जो इंस्टाग्राम पसंद करते हैं यहाँ पे तो बहुत मज़ा आएगा उनको। और भाई साहब रोड ट्रिप करते करते तो पिट स्टॉप होते ही रहते हैं। हम लोग आगे एक शहर जिसका नाम है बेकाल, बेकाल में है फेमस टोपी, और टोपी का भाई बहुत सस्ते में मिल जाता है यहाँ पे, शायद देखते हैं मिलेगा कि नहीं। उधर एक टोपी का दुकान, उधर चाहे सामने ही है। तो ये है दी ब्राउन वैन, एक कार जो कि एक चलता फिरता घर, इसमें बेडरूम, बाथरूम, किचन, सिंक, और इसके अंदर इंजन भी है, चलता है भी, गाना भी बजता है, सब कुछ होता है, एक ड्रीम घूमने वाला का घर अपना गाड़ी। तो अपने जैसे स्कॉर्पियो होता है गाड़ी, उतना ही लंबा होगा मैक्स टू मैक्स, पर चौड़ा थोड़ा ज़्यादा है। स्कॉर्पियो से लंबा है, इनोवा जैसा होगा, एक फिट लंबा होगा इनोवा से। बाकी अभी आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं, पैकिंग चल रहा है क्योंकि गाड़ी जा रहे हैं मैकेनिक के पास। मैकेनिक के पास क्यों जा रहे हैं भाई? क्या हो गया? ऑयल चेंज करना। कितने महीने में करना पड़ता है? एवरी 5000 किलोमीटर्स। और गाड़ी में हो गया 57000 किलोमीटर, और इस गाड़ी का हुआ टोटल आप लोग 25000 ड्राइविंग आई गेस। 27000। तो ये है बेड, मेन एरिया यही खा लेता है 50% एरिया। कितना लंबा बेड है? 6 फिट मींस 6x6। 6x6 ये बाहर आ जाता है। हाँ। और यहाँ पे तीन बंदे सो जाएंगे आराम से, बट हाँ ये दो क्वेश्चन बीच में आके तीन बंदे सो जाते हैं, बट 2+1 डॉग इज बेस्ट। डॉग तो अंदर सोता है और मैं यहाँ पे सोता था, आई डिडंट शूट व्हेयर आई वाज स्लीपिंग, फनी। और इसके अंदर क्या पूरा बैटरी है क्या? हाँ, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेटअप, कैंपिंग गियर सब इसके अंदर। कैंपिंग गियर इधर है, बट यू नेवर टेक टू आउट ना? आई डिड बिफोर यू केम, वी टुक आउट ऑल द मनी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खुल के स्टोरेज, वो भी स्टोरेज होगा? हाँ, उसके नीचे वाटर टैंक है। वाटर टैंक, वी नेवर यूज्ड वाटर टैंक। 70 लीटर्स वी नेवर यूज्ड, आई हैव नॉट फिल्ड इट अप बिकॉज़ माय कैपर्ड इज इन अ फिल्टर्ड वाटर। अच्छा, ये वाटर टैंक अगर यूज घुसा लो तो क्या वो पानी कब यूज होता है, कहाँ से यूज होता है? अच्छा, टैप राइट हियर, देयर इज अ सिंक राइट हियर, यहीं पे हम नहा लेते हैं। अच्छा, अब
टॉयलेट दिखाओ ना, अभी तो दिखा पाओगे, अभी तो खाली हो गए। मेरे मसाले गिर गए। ये देखो किचन, ज्यादातर कुकिंग तो बाहर ही होता है। अंदर हैव यू एवर कुक इनसाइड? ओ ऑल द टाइम। अभी हम बाहर एक्सपोजर मिल रहा है कैंप साइट का, तो हम बाहर कुक कर रहे हैं, बट यूजुअली अंदर ही होते हैं। पूरा सिंक है इसके अंदर, तो भी प्रेशर कुकर ले जाती हूं, याद आ गया था। हां, द टॉयलेट इज राइट हियर। ओ भाई साहब, ये पोर्टेबल टॉयलेट है क्या? बस निकाल के ये बिजनेस रख दिया है। और अंदर केमिकल होता है, वो स्मेल नहीं आने देता, डिसइंफेक्ट कर देता है। फेंकते कहां पे हो? किसी भी पब्लिक टॉयलेट में। मतलब कैसे, एक ट्रे है क्या? नहीं, इसमें पाइप होता है। हां, जो अटैच रहता है, ऐसे नीचे से निकलता है। प्रेशर, प्रेशर पंप। अच्छा, पंप पंप करते हो। ये फ्रिज है, बहुत ही खतरनाक फ्रिज है। इतना खतरनाक हो गया है कि सब कुछ जमा दे रहा है, इसको भी ठीक कराना पड़ेगा। बाकी ये वर्किंग टेबल है, चार्जिंग पोर्ट्स, सिंपल लाइफ है। और लगेज कहाँ पे रखते हो यार? हम लोग तो लगेज तो बहुत होगा तुम लोगों का। बस इतने शेल्फ में, एक दो तीन इसमें लगेज। कुछ ही नहीं है उधर, जगह ही नहीं है। सो हाउ मेनी पेयर्स डू यू गाइस हैव? 5-6। वाओ, कूल यार, बैकपैकिंग जैसा ही है। ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकती यहाँ पे, सारा हो जाता है। स्लीपिंग बैग, चादर, मैट और खाने का सामान, दाल चावल वगैरह सब। और मस्कीटो नेट्स। और सुविनियर्स कहाँ पे रखते हो? सुविनियर्स पैक करके ना, हाँ, बबल रैप में पैक करके अंदर स्टोरेज में रख देते हैं। अच्छा, एक एक्स्ट्रा स्टोरेज जो यहाँ पे है। और पीछे जहाँ पे कैंपिंग टेंट लगे थे, हाँ, उधर भी सभी रहते हैं। हाँ, पीछे ये जो एक्सटेंड है, डिड यू गाइस एक्सटेंड दिस अप और डाउन और इट वाज डिफॉल्ट? हाँ, ये जो एक्स्ट्रा हुड है, इतना दूर गाड़ी है, एक्स्ट्रा हुड है। यहाँ पे बहुत सारा माल है कैंपिंग का, चेयर का, बैठने का, और आप लोगों को जो मैंने दिखा दिया था कि वो निकल जाता है। एंड द क्वेश्चन ऑफ ऑल क्वेश्चन, कितना पड़ा? सिर्फ मेटल था, जैसे अपना लगेज कैरी करने वाला वैन होता है। सामने का सीट सिर्फ दो सीट था फ्रंट में, और पीछे बिल्कुल मेटल था, पूरा मेटल, पूरा मेटल था। पिछले उन्होंने क्या सब फेंक दिया? ये खराब हो गया। पुराना जो उसका फर्नीचर था बहुत मोल्डी था, 40 साल पुराना, तो सब निकाल दिया। इंसुलेशन था उसमें, ओल्ड इंसुलेशन। तो कितना पड़ा गाड़ी का? गाड़ी वाज ओनली 1500। 1500 क्या? कौन सा? तो ये लोग कनाडा में रहते थे डूइंग जॉब, तो कैनेडियन डॉलर्स में सब बात हो गया। यूएस डॉलर नहीं, कैनेडियन डॉलर आप चेक कर लो। एक कैनेडियन डॉलर आई थिंक 55 होगा अभी, 50-55 होगा। तो 55 उसका पड़ गया, 55 का पड़ गया। और उसके बाद हमने इसमें लगाया होगा कम से कम 17-18 हज़ार कैनेडियन डॉलर। मतलब दैट इंक्लूड्स आवर सोलर पैनल। कहाँ सोलर पैनल, दिखाई नहीं मेरे को। आप फ्लेक्सिबल है, इनविजिबल है, ऊपर है, ऑन टॉप ऑफ दिस। अच्छा, फ्लेक्सिबल है, मतलब बेंडेबल। हाँ, बेंडेबल। अच्छा, हमने इसीलिए लगाया था जिससे किसी को दिखे ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। दिखने में क्या होता है? अच्छा, चार्ज हो रहा है। हाँ, अच्छा, सही है। और मतलब $20,000 के, मतलब मान लो और 10 लाख रुपये लग गए ये सब करने में। एंड बाय योरसेल्फ ना? एक एक चीज, एक एक वुड हमने काटी है, स्क्रू हमने लगाया है। कहाँ सीखा? कहाँ? चार महीने हम दिन में 12-12 घंटे वैन में काम करते हैं। पर यार कारपेटिंग काम तो थोड़ा काम ही है, मतलब बहुत मेहनत का काम है। ये काम है, आर्ट एंड डूड, इट्स वेरी वेरी हार्ड। लाइक यू कट एंड देन स्क्रैप देम। या यू कट, स्क्रैप, जॉइन, एवरीथिंग। ये सब एवरीथिंग हैज टू बी कट ऑन अ राइट एंगल। हां, परफेक्ट 90 डिग्री, अदरवाइज चीजें अटैच नहीं होती हैं। ये स्क्रू टूल्स, हेल्पर नहीं था कोई? हमने और हमारे पास गैराज भी नहीं था, तो हमने एक होम हार्डवेयर स्टोर है रोना, उसके पार्किंग लॉट में पूरा बिल किया है 4 महीने। तो ये क्या, ये था कि नहीं हम लोग खुद ही करेंगे या फिर दिस इज वाज इकोनॉमिकल वे? दिस वाज इकोनॉमिकल वे, कनाडा में लेबर बहुत एक्सपेंसिव है। हां, मेक्सिको में होते तो शायद से। हां, मेक्सिको में तो करा लेते। अब मेरा ये कि मैं हर चीज बना सकता हूं, टेबल, चेयर, सब कुछ। हैव यू डन इट बिफोर? बट नाउ आई कैन, इफ यू गिव मी वुड आई कैन मेक इट। अपने फ्यूचर घर में सारा फर्नीचर खुद ही बनाऊंगा। पोर्टफोलियो में ऐड हो गया। हां, स्किल्स में ऐड हो गया कारपेंटरी। बाकी सामने का तो आप देख चुके हो, वाइल्ड ड्राइविंग दिखाना नहीं है। गाड़ी का माइलेज आता है अराउंड 6 किलोमीटर पर लीटर।
और बहुत तेल खाता है, स्पीड 100 तक चला जाता है। बाकी कुछ अगर वियर्ड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करना, मैं जवाब दे दूंगा। बाकी आउट ऑफ 10 ऑनेस्टली हाउ डू यू रेट योर वैन लाइफ? 10 out of 10 कुछ ऐसा है जो यू आर एक्सपेक्टिंग टू बी बेटर बट इट्स नॉट दैट गुड? कुछ तो होगा यार, मैं जैसे मेरा बैकपैकिंग में आई हेट द पार्ट ऑफ पैकिंग, वैसे कुछ तो पॉइंट्स होंगे कि यार आई थॉट इट वाज इजी बट इट्स रियली टफ टू डू नाउ। इट्स नॉट टफ फॉर अस, कुछ भी नहीं, वी लव इट सो मच। एक दो पॉइंट होगा कि यार ये वाला तो यार ये हर बार की तरह ये, हां बट इट्स नॉट लाइक इट मेक्स अस हेट बैक, नो इट्स नॉट अबाउट हेटिंग बट इट्स लेस लाइकली कि लगा था और आसान हो जाता तो बढ़िया होता। डिसीजन मेकिंग रहता है कांस्टेंट, बस कहां सोना है कहां जाना है, कांस्टेंट डिसीजन मेकिंग रहता है। वो थोड़ा प्रेशर रहता है, वो एग्जॉस्टिंग हो जाता है मेंटली, फिजिकल कुछ ऐसा नहीं, नहीं फिजिकल नहीं, पैकिंग करना इजी है यार, आदत हो जाती है, बेड बनाना इजी है, सब कुछ इजी है, ये वाला लगाना थोड़ा टफ है, awning लगाना टफ है, इसलिए हम ज्यादा यूज नहीं करते उसको। अच्छा, अभी हमें ऑफिस पे ज्यादा चाहिए था, बारिश के चक्कर में इसलिए यूज करते हैं, बट मेंटल एग्जॉशन हो जाता है, सॉरी मैंने पहले से बताया। हां ठीक है, मेंटल क्या चीज लेके डिसीजन मेकिंग का, कांस्टेंट डिसीजन मेकिंग होता है, कहां रुकना है, कहां पार्क करना है, कहां सोना है, कहां कैंप करना है, गो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी मेन थिंग वर्क्स ऑन द हेड इज सेफ्टी। तो भाई पूरा घर अगर आप साथ में लेके चलोगे और मेक्सिको जैसे कंट्री में और सेंट्रल अमेरिका जैसे कंट्री में, तो वो सेफ्टी का थोड़ा टेंशन रहता है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। दिस वाज वैन लाइफ, मैं इनके साथ था टोटल 1, 2, 4 रात, मंडे से लेके थर्सडे तक, आज फ्राइडे है। आज ये लोग एयरबीएनबी रुक रहे हैं टू टेक रेस्ट, क्योंकि मेंटल एग्जॉशन हो गया है सच में। तो आई एम गोना एंड दिस वीडियो हियर, और आशा करता हूँ आपको वैन लाइफ का थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा। डिटेल में जानने के लिए इनके चैनल में जाओ, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आपको आइडिया आएगा कैसा होता है वैन लाइफ इन अमेरिकास। और आशा करता हूँ ये लोग इंडिया पे भी आएंगे कभी अपना वैन लेके। बाकी कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोरर राजा, मिलते हैं अगले वीडियो पे।